या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका। अब हम जा रहे हैं ज्वाला जी के दर्शनों के बाद कांगड़ा देवी जी के मंदिर में। अगर आपने मेरी वीडियो पहली ज्वाला जी वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। आप सभी नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट में कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। ये नगरकोट धाम आ चुका है मैया रानी का, बस यहाँ से माता रानी के मंदिर का रास्ता शुरू हो जाता है। माता रानी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिला में स्थित ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। यहाँ माता भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में दुर्गा स्तुति में भी बताया गया है। साल भर यहाँ पर बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रों में इन दिनों में मंदिर की शोभा देखने लायक होती है। और यहाँ पर पास में एक बाण गंगा है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। वहाँ का कहा जाता है काफ़ी महत्व है वहाँ पर स्नान करने का। प्रसाद लेने के बाद बस अब हम मंदिर में अंदर जाएंगे। माता रानी का मंदिर आप अच्छे से दर्शन कीजिए। देखिए बाहर से ये माता रानी का मंदिर ऐसा दिखता है, ये बहुत पुराना मंदिर है। महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। माँ ने पांडवों को स्वप्न में आकर दर्शन दिए कि मैं कांगड़ा जिला में स्थित हूँ। इसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर को विदेशियों द्वारा काफ़ी लूटा गया। 1009 में गजनवी शासक महमूद ने इस मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया था। उसके बाद 1905 में भूकंप ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सरकार द्वारा दोबारा से मंदिर 1920 में बनवाया गया। माता रानी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हैं। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद महासरस्वती को और दूसरा प्रसाद महालक्ष्मी जी को और तीसरा प्रसाद महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भी 3 पिंडी हैं, पहली माँ ब्रजेश्वरी जी की, दूसरी माँ भद्रकाली की और तीसरी सबसे छोटी पिंडी एकादशी की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस शक्तिपीठ में माँ एकादशी स्वयं मौजूद हैं, इसलिए उनको प्रसाद के रूप में चावल ही चढ़ाया जाता है। कांगड़ा माँ के दरबार में 5 बार आरती का विधान है। यहाँ बच्चों के मुंडन करवाने की भी व्यवस्था है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में पूजा उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में मौजूद 3 गुंबद 3 धर्मों का प्रतीक हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के आगे ध्यानु भगत की मूर्ति मौजूद है, जिन्होंने अकबर के समय में देवी को अपने सिर की बलि दी थी, अपना सिर काटकर देवी माता के चरणों में चढ़ाया था। बाद में माता रानी ने उनका सर दोबारा से जोड़ दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर को मारने के बाद जब माता दुर्गा को कुछ चोटें आई तो उन चोटों को दूर करने के लिए देवी माँ ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। जिस दिन माँ ने यह मक्खन लगाया था उस दिन देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और सप्ताह भर उत्सव मनाया जाता है। एक खास बात और है इस मंदिर की कि मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भक्तों को पहले से ही आगाह कर देता है। यहाँ आसपास अगर कोई बड़ी समस्या आने वाली हो तो भैरव बाबा की मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर माँ से आपदा को टालने के लिए निवेदन करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में
महिलाओं का जाना वर्जित है। बताया जाता है भैरव बाबा की मूर्ति 5000 साल पुरानी है। मंदिर के मुख्य द्वार के आगे धानु भगत जी की मूर्ति है। माता रानी की महिमा जितनी कहें उतनी कम है। बोलो ब्रजेश्वरी माता की जय हो। बहन आपकी ज्वाला माई चिंतपूर्णी भी हर्षाई, चामुंडा से है प्रेम तुम्हारा सच्चा माई तेरा द्वारा, कलयुग मई शक्ति कहलाई सबने पूजा तू सुखदाई, बोलो मात तेरी सदा ही जय हो।